स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में। क्लास 9 के बच्चों के साथ क्विज कंपटीशन जारी है, तो चलिए सवालों को और आगे बढ़ाते हैं, जवाब लेते चलते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? गर्म करने से गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है? 273 केल्विन। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? विसरण। जीरो डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जीरो डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस। नेक्स्ट, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैसीय। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन। द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था? द्रव। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैसीय। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? CO2। गर्मियों में कौन कपड़ा जो है अधिक आरामदेह होता है? सूती कपड़ा। गर्मियों में घड़े का जल किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है? गर्मियों में घड़े का जो जल होता है वो किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है? ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण होगा। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा चला है। बाकी बच्चों के साथ मिलते हैं अगले राउंड में।